वीडियो शुरू होने से पहले तुम लोगों को मैं ऐसे बता दूं, हाँ पिछली बार क्या हुआ था, मैंने वीडियो अपलोड की थी अपनी, और उसमें मैंने देखा कि भाई मतलब मेरी क्वालिटी जो है वो 360p के ऊपर ही नहीं है। मतलब मुझे नहीं पता वो क्या है, बट हाँ वैसा ही कुछ हुआ था। तो मैंने चेक किया उसको, तो देखा मेरा प्रोजेक्ट बिल्कुल सही है, मतलब मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं। वो यूट्यूब की तरफ से कोई ग्लिच था जिसकी वजह से मेरी यूट्यूब की वीडियो वो चल रही थी, इसलिए मैंने डिलीट नहीं की। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक दिन टॉलरेट चलता है। तो आ चुके हैं यूट्यूब सब वापस, और आज हम लोग फिर से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। तो देखो पिछली बार, और हाँ तो पिछली बार तुम लोगों ने देखा होगा कि भाई ये मैंने कुछ हरकत की थी जिसकी वजह से मेरे आयरन गोलम सारे के सारे बाहर यहाँ नल्ले गए, यहाँ पे मतलब स्पॉन हो रहे हैं। मैंने अभी क्या किया, रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने यूट्यूब पे चेक किया कि भाई किसको कसल में किया कैसे जाता है। अरे यार इसको हटाओ, हाँ शेड्यूल बनाओ उसका। तो इसमें असल में मुझे करना क्या था कि इसके ब्लॉक्स को थोड़ा बड़ा रखना था, चपटा रखना था, और तुम्हें बताता हूँ मैं क्या करना था। और असल में बहुत कुछ है, तुम्हें बताऊँगा, बहुत लंबी कहानी है ये, तो एक बार मैं बता नहीं सकता, रुको। ऑलराइट, तो फाइनली हम लोगों ने क्या किया, देखो अपना पूरा बेस खाली कर दिया, अभी हमें क्या करना है सबसे पहले तो मैं बताता हूँ। मैं रुको, वेट वेट वेट, यहाँ सेंटर तो नहीं है अभी, एक मिनट रुको, एक बहुत सेंटर नहीं, छोड़ो सेंटर नहीं चाहिए, वैसे भी मैं अभी बता रहा था सेंटर की ज़रूरत ही नहीं है, बकवास है वो सब कुछ। एक दो तीन चार पाँच, पाँच काफ़ी हैं ठीक है। और यहाँ पर हम लोग अपनी क्राफ्टिंग शुरू कर देंगे, एक दो तीन चार पाँच, एक। तो फाइनली हम लोगों ने देखो ये देखो मस्त लग रहा है ना, क्योंकि अभी मैंने क्या किया, इसका बेस जो है थोड़ा बड़ा बना दिया, क्योंकि बेस बड़ा बनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि देखो वहाँ पे ना बेड्स भी पूरे नहीं आ रहे थे, और बोल रहे थे वो कि भाई स्पॉन करते टाइम ना वो होता है, दिक्कत आती है फिर इसमें। रुको अभी हम लोग ग्लास लगाएंगे अपना, और ये मैंने बड़ा इसलिए बनाया, एक तो तुम्हें बताता हूँ मैं, जो हमारा ज़ॉम्बी था ना साइड में, तुम लोगों ने सोचा होगा पिछली बार कि मैंने ज़ॉम्बी साइड में क्यों लगाया है, अभी नहीं सोचा तो सोचो उसको, लेकिन साइड में मैंने इसलिए लगाया था ताकि वो ज़्यादा डरे, पर ज़्यादा डराने के लिए बोला सेंटर में लगाया जाता है ज़ॉम्बी को, और उसको एक नाम दिया जाता है जो भी कोई भी से हो सकता है। तो फिलहाल देखो तुम्हें बताता हूँ मैं, इसका सेंटर तो वैसे यही होना चाहिए, एक दो, अरे इसको इतना ही काफ़ी रखते हैं, इसको रुको, एक दो चार ठीक है, दो तीन, इसकी वैसे ज़रूरत नहीं थी, हाँ इसकी ज़रूरत नहीं थी वैसे, इतना लगाने की ज़रूरत नहीं है, हाँ इतना काफ़ी है। अब यहाँ पे हम लोग पानी रखेंगे ठीक है, और उसके बाद हमें यहाँ पे एक दो तीन तीन चार, इतना काफ़ी है। उसके बाद हमें ज़ोंबी है ना, ये ज़ोंबी वाला ज़ोंबी का एक रख यहाँ पे रखना है, इसे नाम देना है हमें, रुको तो मैं बताता हूँ मैं नाम, रुको एनविल नहीं मेरे पास, ये डिस्पोन हो जाएगा वरना ऐसे। चलो ठीक है बेड लेके जाएंगे, उसके बाद हम बेड कहाँ है, बेड ये रहे, इस बार हम लोग अच्छे वाले बेड रखेंगे, चुप कर। तो उसके बाद हम लोग यहाँ बेड रखेंगे, अरे हो जा लग गए, इतने काफ़ी हैं, बहुत है इतने, क्योंकि इतने तो काफ़ी भी हैं मेरे हिसाब से, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब इतने काफ़ी हैं मेरे हिसाब से। अभी देखो हमें क्या करना है सबसे पहले, और रुको रुको मैं तुम्हें बताता हूँ, विलेजर का स्पॉन एक नहीं है मेरे पास, ये मुझे चाहिए, ये इसका काम हो गया, एनविल चाहिए मुझे, और एक काका जी, अरे क्या नाम सोचता हूँ, अरे बहुत बढ़िया, मुझे पता है मेरे नाम बहुत अच्छे होते हैं, थैंक यू। ये काका जी लग चुके हैं यहाँ पे, और काका जी को हम लोग यहाँ पे रहने देंगे, क्योंकि देखो काका जी बाकी अपना काम खुद ही कर लेंगे। तो रुको 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 एक काम करते, रुको विलेजर्स को डराने के लिए मेरे पास एक आइडिया है, रुको काम करेंगे, इसको ऊपर उठाते हैं, अरे उड़ जाओ ऊपर, इसको ऊपर उठाएंगे, यहाँ पे एक और लगाएंगे, अरे यार ये क्यों लगता है ऐसे फालतू, ऐसे ऐसे, अरे ऐसे ऐसे, ये काफ़ी, ये ठीक है, परफेक्ट है। काका जी जलने के मूड में है क्या, अरे भाई भाई डरावना कितना लग रहा है ऐसे, ये देखो इसके ये मतलब ये कूद भी नहीं सकता, और ये यहीं पे रहेगा, भाई कितना डरावना लग रहा है अभी, भाई कसम से मैं बता रहा हूँ 100% गारंटी है विलेजर्स डरने वाले हैं। देखो विलेजर ये रहा ना, इसको यहाँ रखेंगे, उसके बाद हम लोग इसके ब्लॉक्स को और आगे कर देते हैं, क्योंकि मुझे पता है विलेजर्स बहुत तेज हैं, वो भाग जाएंगे यहीं से, अगर मैंने इन्हीं को भी बता दिया कि भाई काका जी अभी आ रहे हैं, ये अगर मेरे घर के अंदर गया ना मेरी ऑटोमेटिक लिफ्ट के अंदर, तो कसम से मैं इसको मार दूंगा, ये ले, अरे 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 शिट। ऑलराइट गाइस देखो अभी देखो, ये देखो मैंने यहाँ पे पूरा सेट कर दिया इसको, और ये काका जी यहाँ पे अंदर रहेंगे, इसकी सिर के ऊपर रहेगा, ये जंप नहीं कर सकता, और डरावना काफ़ी लग रहा है, देखो ये ऐसे ज़ोंबीज के मुंह के आगे रहेंगे तो ज़्यादा उनको डर लगेगा, और उस ज़्यादा से ज़्यादा हमें मतलब आयरन गोलम देंगे, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो देखो अगर मुझे उनको चाहिए तो पहले तो मुझे ये तोड़ना ही पड़ेगा देखो, क्योंकि यहाँ पे हमारा चेस्ट लगेगा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हटा देता हूँ, फिर मैं इसको ना ऐसे रखूँगा, क्योंकि ये मुझे ना इन मतलब इन पे भरोसा ही नहीं है, बिल्कुल चिंदी होते हैं ये लोग, भाग जाते हैं मतलब ये डरफोक।
थोड़ा एक काम करता हूँ, चेस्ट यहाँ पे लगाता हूँ। अरे ऐसे लगना, साथ में लगो। अरे क्यों भाई, हो लग गई फाइनली। नहीं ऐसे नहीं, इसके ऊपर लगाना है ठीक है। अभी हमें क्या करना है, रुको, अगर मैं इसके ऊपर दीवार लगा दूँ तो, अरे सॉरी, फिर खुलेगा, खुल जाएगा, बिल्कुल खुल जाएगा। ऑलराइट गाइस, अभी मैंने जस्ट अभी पूरा काम कर दिया है, और देखो यहाँ पे मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा बड़ा बनाया, क्योंकि देखो इसके अलावा कहीं पे स्पॉन मेरे हिसाब से नहीं होने चाहिए वो। अभी मैंने जल्दी जल्दी काम करता हूँ, यहाँ पे मैं विलेजर्स को स्पॉन कर देता हूँ, क्योंकि अरे क्या कर रहे हो, इतने काफ़ी हैं। अरे हट जाओ भाई, अरे फाइनली निकल गया मैं तो पागल। अरे नाइस, ये तो आ भी गया। ओके सो मुझे अभी इसको कवर करना है, क्योंकि देखो इतना काफ़ी है, और अब मुझे यहाँ पे पानी की बाल्टियाँ मारनी है, बस इतना काफ़ी है। और मुझे साइन बोर्ड चाहिए, रुको बोर्ड इधर लगा देते हैं इसको। उसके बाद हमें लावा बकेट को इधर रखना है, इधर ऐसे। ओह परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, अभी अच्छे से काम करेगा। रुको अभी मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पे पानी फेंक लेता हूँ, क्योंकि मेरा वेस्ट नहीं होगा, मुझे पता है ना। A few minutes later. अरे what the, अरे यार नहीं यार, ऐसे नहीं था, ये धक्का क्यों नहीं दे रहा इस पानी को, ये पानी इसको मतलब। ओहो अभी जा रहा है शायद। ओके पानी के साथ ही अंदर जा रहा है क्या भाई, इस बार हो जाना चाहिए, कसम से बेवकूफ बन जाएगा वरना। क्या करता है, ठीक है काम कर रहा है, काम कर रहा है, ये काम कर गया भाई, ये काम कर गया। अब भाई बस द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, अगर ये अंदर आए चले गए। यस फाइनली गाइस, अपना काम हो चुका है, फाइनली हम लोगों ने बना लिया है अपना एक सस्ता इन्फिनाइट वाटर सोर्स, वाटर सोर्स नहीं है ये। अरे ये क्या हुआ, तो देखो फाइनली हमारी एक बहुत ही बढ़िया वाली मशीन रेडी हो चुकी, मशीन नहीं इसको फार्मिंग के लिए एक टेक्निक रेडी हो चुकी है, जो कि फाइनली मैंने बहुत ही ज़्यादा रिसर्च और मेहनत की, मतलब अपने छोड़ो इस बात को इग्नोर करते हैं। तो साथ में हम लोग चेक करने वाले हैं कि ये काम करता है इतने अच्छे से या नहीं, विलेजर्स डर भी रहे हैं या नहीं, डर तो बहुत रहे हैं भाई। तो आएंगे ना, स्पॉन क्यों नहीं हो रहा, ये बहुत जल्दी स्पॉन होते हैं मैंने सुना है। देखो मुझे नहीं लगता है कि ये, और आ गया वो देखो 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 काम कर रहा है देखो। अरे भाई बहुत बढ़िया यार, ये देखो बहुत परफेक्टली जाएगा ये अंदर, और अब ये मर जा भाई, जिंदा कितना चलेगा, मर गया। और इसका परफेक्टली एक पांच आयन के स्टैक, मतलब पांच आयन के इंगट्स है ना, ये तो पांच ही है, ये मैंने निकाल लिया था शायद, वो निकाल ही लिया था, क्योंकि यहाँ 23 हो गए हैं मेरे पास ना, तो मुझे लग रहा है मैंने निकाल ली, क्योंकि इधर भी नहीं, अगर फेल हो गया होता ना इधर भी नहीं हो, इधर होते वो सारे। तो इसका मतलब हम लोगों ने सक्सेसफुली अपना आयन फार्मिंग, मतलब ऑटोमेटिक आयन फार्मिंग के लिए वो बना, और एक और आ गया, अरे बहुत बढ़िया, अरे देखते ना इसको, इस बार तो होना चाहिए ना, अभी देखते हैं अभी काम करेगा या नहीं। ये जल तो रहा है अच्छे से, ठीक है, ओके परफेक्ट परफेक्ट, पांच और आ गए, इसका मतलब पहले मैंने निकाल लिया था। तो होपफुली तुम लोगों को ये वीडियो और ये फार्मिंग पसंद आई होगी, मतलब ऑटोमेटिक आयन फार्मिंग। और यहाँ पे क्या है, अरे डेजर्ट है वहाँ पे, तो मतलब वहाँ पे भी हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो होपफुली अगर तुम लोग ये वीडियो पसंद आई होगी, तो तुम लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगले वाले एपिसोड में हम लोग वहाँ पे जाएंगे डेजर्ट पे, और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सीक्रेट्स भी बहुत सारे होते हैं। ले वो एक और आ गया, इसी तरह से हमारा आयन फार्म बहुत ही सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। तो होपफुली अगर तुम लोग ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक मार देना, मिलते हैं तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।